चयनित हुए हैं आप लोगों की सेवा के लिए, मैं उनसे अपील करूंगा कि आप लोगों की जिस तरीके से सेवा करते रहे हैं, आप लोगों को आश्वासन भी दिलाएंगे और जो हॉस्पिटल की समस्या है उस पर भी अपने विचार रखेंगे। मैं उनका आह्वान करता हूं कि आए और अपने विचार रखें। जिंदाबाद शहर का मंत्री कैसा हो? धन्यवाद संचालक जी, सभा स्थल पर उपस्थित नाका अध्यक्ष भाई प्रहलाद राम जी, कार्यवाहक अध्यक्ष दिनेश गुप्ता जी, कोषाध्यक्ष सुशील कुमार जी, सहायक शाखा मंत्री हरेलाल मीणा जी, ऋतिक कुमार जी, संगठन सचिव रतीश वर्मा जी, शाखा उपाध्यक्ष अजीत सिंह जी, शिवराम सिंह जी, राहुल शुक्ला जी, मित्रों, सर्वप्रथम मैं अपने नए ब्रांच को इस बात की बधाई देना चाहूँगा कि जो स्थितियाँ बनी, और इतिहास में जाने की जरूरत को नहीं महसूस करता इसलिए कि आप कोई भी साथी यहाँ नए नहीं हैं, जो स्थितियाँ बनी बिगड़ी सारी परिस्थितियों पे विराम लगाने के बाद एनसीआरएस के महामंत्री आदरणीय आरपी सिंह साहब ने पुनः काम करने के लिए शाखा का पुनर्गठन किया। सभी लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां जो दी गई हैं, हम ऐसी कामना करते हैं कि सारे साथी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कार्यों को अंजाम देंगे। मित्रों, कोई भी श्रम संगठन होता है, आपके कार्यों के प्रति उसकी जवाबदेही भी होती है और कार्यों को सही तरीके से अंजाम देने की उसकी जिम्मेदारी भी होती है। श्रम संगठन सोसाइटी नहीं हुआ करती है, ये कर्मचारियों का संगठन होता है। अगर यहाँ पे 1000 का संख्या बल है तो चाहे जो एनसीआरएस का सदस्य है उसकी, चाहे जो एनसीआरएस का सदस्य नहीं है उसके भी समस्याओं का निदान और उसके समस्याओं के प्रति हमारी जवाबदेही बनती है। इस जिम्मेदारी से हम भाग नहीं सकते। बहुत सारी बातें हैं, बातें होंगी भी। मार्च से कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल को सरकार ने अवसर के रूप में बदलने का काम किया। उत्पीड़न का काम बखूबी 4-5 महीने से चल रहा है। मित्रों, दो तीन बातों पे आपको थोड़ा सा मैं अपनी बात कहूंगा। अभी हमारे संचालक महोदय ने बोला रीजेंसी के लिए। मित्रों, अभी कुछ माह पहले हमारे डीजल सेट का एक डीजल ड्राइवर अभिनव शर्मा थे, उनकी तबीयत खराब हुई। अपने लोको अस्पताल में न आकर के सीधे सर्वोदय नगर रीजेंसी अस्पताल पे गए। आप सभी लोग जानते हैं हर अस्पतालों में इसमें कोरोना का टेस्ट होता है। बाहर वहां पे जो बूथ बने हुए हैं वहां पे उनकी जांच आंच उन लोगों ने किया। वहां से उन लोगों ने बोला कि आप जाइए लोको हॉस्पिटल, आपकी स्थिति ठीक नहीं लग रही है, रिफर करा के आइए। वो कर्मचारी लोको हॉस्पिटल आया। लोको हॉस्पिटल से उनको कार्डिक की कुछ प्रॉब्लम थी, कार्डियोलॉजी के लिए रिफर किया गया। कार्डियोलॉजी पहुंचते पहुंचते डेथ हो गई उनकी। उनके परिवार के लोगों ने डीआरएम को कंप्लेन किया। डीआरएम महोदय को कायदे से जांच करानी चाहिए थी। सीएमएस को उन्होंने वहां से रिपोर्ट मांगा, सीएमएस महोदय ने रिपोर्ट लगा के भेज दिया। रीजेंसी का पैनल हमारे जो रेलवे से था उसको बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन उस एपिसोड के बाद मित्रों, कम से कम हमारे दसियों कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है। डीआरएम से लेके सीएमडी से लेके सीएमएस इलाहाबाद, सीएमएस कानपुर, हर फोरम पे वार्ता हो गई है, पत्राचार हो रहा है। दिक्कत क्या आ रही है कि डीआरएम महोदय का ये कहना है
कि हमारे रेलवे के डॉक्टरों का सामंजस्य रीजेंसी अस्पताल से बहुत अच्छा है। खुली बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं मित्रों, सामंजस्य अच्छे का मतलब है कि उनकी जो मशीनरी वो बता रही है कि कोई भी केस रिफर करते हैं रेल के डॉक्टर तो उनको कमीशन मिलता है। यहां से सीएमएस महोदय फाइल भेज रहे हैं, डीआरएम का उस पर ऑब्जेक्शन लग के फाइल वापिस आ जा रही है। मेरी फोन से बात हुई डीआरएम से, एडीआरएम अग्रवाल जी हैं जनरल, वही जो है इस समय मेडिकल देख रहे हैं, एडीआरएम ऑपरेशन से बात हुई, सभी लोगों ने मानो एक गांठ बांध लिया है मित्रों कि कोई दूसरा हम लोग नर्सिंग होम टाई अप करेंगे रीजेंसी के बराबर का। मित्रों हमने भी बताने का काम किया कि कानपुर के अंदर रीजेंसी के बराबर कोई दूसरा नर्सिंग होम नहीं है जो रेलवे कर्मचारियों की सुविधाओं को दे सके। फाइल वहां से फिर आई, केवरी लगा के आई मित्रों, सीएमएस ने फिर भेजने का काम किया, यही क्रम चल रहा है साथियों। अभी चार पांच दिन पहले हमने फिर डीआरएम को पत्राचार किया है, बताने का काम किया है मित्रों, और जैसी कि हमें सूचना है बुधवार के दिन जीएम महोदय आ रहे हैं कानपुर में। प्रोग्राम हम लोग भी बना रहे हैं कि जीएम से मिलेंगे, एजेंडा देंगे, बात करेंगे। दूसरी जो इसमें दिक्कत आ रही है कि रेलवे बोर्ड ने एक नया आदेश जारी कर दिया है। आदेश है मित्रों कि पहले सीएमडी के माध्यम से रेलवे अस्पताल के टाई अप का काम होता था, रेलवे बोर्ड ने पूरा हेडक्वार्टर का अधिकार छीन के डीआरएम के हाथ में दे दिया है, और हम लोगों का ऐसा मानना है कि मंडल रेल प्रबंधक स्तर का कोई भी अधिकारी सीएमडी का काम नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता कि सीएमडी के पोस्ट पे जो डॉक्टर बैठता है वो बहुत सीनियर डॉक्टर होता है, वो तकनीकी खामियों को समझता है। आज यही दिक्कत हो रही है जिस कारण से रीजेंसी हमारे पैनल पे नहीं है, लेकिन ऐसा प्रयास एनसीआरएस का हो रहा है, महामंत्री जी के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, अपने माध्यम से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं मित्रों। अब आखिरी चरण बचा हुआ है कि अधिकारियों का घेरघार करना, वो भी क्रियाकलाप हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, निश्चित रूप से रीजेंसी को आपके पैनल पे लाने का काम किया जाएगा, ऐसा प्रयास है। भाई दूसरा यहाँ का जो इशू है मित्रों, कोरोना काल में सीनियर डी महोदय बैठक बुलाए, यहाँ के दोनों मान्यता प्राप्त संगठन गए, सीनियर डी महोदय ने बोला कि स्थितियां इस समय खराब हो रही हैं, छुट्टियों पे थोड़ा सा जो है प्रतिबंध लगाने की जरूरत है, इसलिए कर्मचारी बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे तो सेट में संक्रमण बढ़ेगा। उस परिस्थिति को देखकर हम लोगों ने भी कहा कि नहीं, कुछ दिन के लिए इस तरह की व्यवस्था कर देना चाहिए। सीनियर डी महोदय बैठे थे, डी बैठे थे, यही लोग बैठे थे, कुछ एसएससी भी बैठे थे। ये स्थिति आपके अप्रैल मई की मैं बात बता रहा हूं। उसके बाद ये तय हुआ था कि एसएससी कानपुर के जिसको रहना है उसकी छुट्टी सैंक्शन करेगा, कानपुर से बाहर जाने वाले कर्मचारियों की छुट्टी यही स्तर से होगी, और स्टेट के बाहर जाने वाले कर्मचारियों की छुट्टी डी महोदय करेंगे, विशेष परिस्थिति में मैं स्वयं देखूंगा। मित्रों अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर का महीना चल रहा है, आज परिस्थिति बन गई है कि अगर किसी कर्मचारी को एक दिन की छुट्टी लेना हो, एप्लीकेशन जो लिख रहा है एप्लीकेशन के लिए हमारे अधिकारी कह रहे हैं कि इसमें ये गलत हो गया, जाओ फिर से सुधार करके जाओ, टाइम ऑफिस से रजिस्टर लेके जाओ। चेंबर में पहुंचने के बाद उनसे कहा जा रहा है कि अभी एक घंटे के बाद आना, कर्मचारी अपना काम करेगा या दिन भर छुट्टी के लिए परेशान रहेगा, एक मुद्दा ये अहम मुद्दा बनता जा रहा है। एक हफ्ता पहले हमने चिट्ठी के माध्यम से सीनियर डी महोदय से डिमांड किया है कि कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृत करने के मामले में, क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो गया, अनलॉक फोर चल रहा है और लॉकडाउन पूरी तरीके से खत्म हो गया है, तो जिस तरीके से पुराने समय में छुट्टियों को सैंक्शन करने का प्राविधान था
पुरानी परंपरा को बहाल किया जाए, ऐसी डिमांड ऐसी जा रही है। बात होगी, निर्णय निश्चित रूप से लाने का काम किया जाएगा और आपके पक्ष में निर्णय होगा। एक दूसरी जो एक इस समय प्रशासन की खामी आ रही है, अभी कुछ व्यवसायिक परीक्षाओं के परिणाम आए हैं, कहने को तमाम बातें हो रही हैं कि वो जो बहुत लंबा एब्सेंट रहा उसको फेल कर दिया गया, जिसकी कार्यपद्धति ठीक नहीं थी उसको फेल कर दिया गया। लेकिन मित्रों, मैं एक बात आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं प्रशासन से कि ये स्थिति उत्पन्न क्यों हो रही, क्या इसके पहले व्यवसायिक टेस्ट नहीं हुआ करते थे? ट्रेड टेस्ट 1900 से 2400 में जिसको जाना है उसकी क्या काबिलियत आप देखना चाहते हो? क्या उसके अंदर ऐसी कमी है कि आपने फेल कर दिया? हमारा तो ये मानना है कि SSC लेवल पे अगर किसी कर्मचारी से कोई बात को लेके झड़प हो जाती है, प्रशासन के AE और D से किसी बात को लेकर के झड़प हो जाती है, तो प्रशासन के अधिकारी सुपरवाइजर उस बात को अपने मन में गांठ बांध के और कर्मचारियों के शोषण के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा है और इसका प्रबल विरोध करने की जरूरत है। इसलिए कि पहले के भी रिजल्ट आया करते थे। हम तो आपके बीच के साथी हैं, 2007 में RP शर्मा जी थे शाखा मंत्री, उन्होंने पद छोड़ा तो मैं इस पद पे आया था शाखा मंत्री। उस समय NCRS मान्यता में नहीं थी, दिसंबर 2007 की बात बता रहा हूँ मित्रों। चुनाव हम लूज कर गए थे, 2013 मई में फिर चुनाव लड़े, चुनाव में हमको मान्यता मिली थी मित्रों। इस क्रम में हम लोगों ने बहुत सारी अचीवमेंट लेने का काम किया, आज की स्थिति तो आपके पक्ष में, करना हम लोगों को है, प्रयास हम लोगों को करने की जरूरत है। परीक्षा में फेल पास करने की बात, चार्जशीट दे के अनायास उत्पीड़न करने की बात, इन सब चीजों पे इस सेट के अंदर एक रचनात्मक आंदोलन करने की जरूरत है, जैसा हम लोग महसूस कर रहे हैं। यूनियन का पदाधिकारी दिन भर में अगर 10 कर्मचारियों की छुट्टी या स्वीकृत की जाती है तो कितने लोगों का बार बार लेके जाएगा? इस समस्या के निदान के लिए प्रशासन पे दबाव बनाने की जरूरत है और इसमें आपके सहयोग की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए कि NCRS के सिपाही अगर झंडा लेके खड़े होंगे तो आपका सहयोग उसमें चाहिए होगा मित्रों। आज जैसा कि पूर्व में किया जाता रहा, ये कोई नई बात नहीं। अभी पिछले का एक मामला हुआ, संटिंग के दौरान ड्राइवर लेके पिछले में इंजन लड़ा दिया, ड्राइवर ने एक्सेप्ट किया कि गलती मुझसे हुई, ब्रेक नहीं लगा पाया, लिख के उसने गलती स्वीकार किया, ड्राइवर का ट्रांसफर टुंडला हो गया। लेकिन उसके बाद हमारे 2 SSC और 2 आर्टिजन कर्मचारियों को चार्जशीट देने के बाद 3-3 साल का WIP कर दिया गया है, विदाउट इंक्रीमेंट पे 3 साल के लिए परमानेंट प्रतिबंध लगा दिया गया है, बहुत बड़ा पनिशमेंट दिया गया। बात हमने इस पे भी किया है, अपील भी कराई गई है मित्रों, लेकिन बात एक कर्मचारी की समस्या को लेकर नहीं है, बात पूरे समूह की समस्या को लेकर है मित्रों कि प्रशासन ऐसा क्यों करेगा। गलती अगर जिस कर्मचारी से हो रही है तो 0 लेवल पे उसके सोचने की जरूरत है कि काम करने वाले से ही गलतियां होती हैं, और अगर गलती होती है तो उसको चेतावनी पत्र मिलना चाहिए, बहुत ज्यादा रिकॉर्डेड चेतावनी पत्र होना चाहिए, आप ऐसे फैले भी दे दीजिए, लेकिन इस तरह का नुकसान न करिए कि किसी के बाल बच्चों के रोटी रोजी पे भी इसका जो है गलत प्रभाव पड़े मित्रों। ये हम लोगों का ऐसा मानना है, इस पे प्रयास किया जाएगा। केंद्र सरकार की जो स्थिति है, 2 मिनट और समय लूंगा आप लोगों से, केंद्र सरकार की जो स्थिति है मित्रों,
आउटसोर्सिंग पे बहुत दबाव चल रहा है। आज यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, हो सकता है हमारे रेलवे इंटेलिजेंस सिविल एलाइयों के माध्यम से हेडक्वार्टर तक खबर जाए, लेकिन हम कहाँ तक डरेंगे, कहाँ तक दबेंगे? मित्रों, डरेंगे दबेंगे शांत रहेंगे तो निश्चित रूप से एक एक करके मारे जाएंगे। आंदोलन के लिए आप लोगों को खड़ा होना। हम ये नहीं कहते लाठी उठाइए, डंडा उठाइए, किसी अधिकारी पे चला दीजिए, लेकिन एक शांतिमय तरीके से, शिष्टाचारिक तरीके से, लोकतंत्र की प्रक्रिया के अंतर्गत जो हमें कार्यक्रम करना चाहिए ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज के अंतर्गत, उसे करने से तो हमें कोई नहीं रोक सकता। हम आधा घंटा रोज मुर्दाबाद करेंगे, 10 मिनट रोज प्रदर्शन करेंगे, अपनी बातों को पहुंचाने का काम करेंगे। आज आप देख लीजिए कि एक समय था सेड का गिना हुआ 2-3 काम जाता था, जो है प्राइवेट बोगी का काम गया था, सीपीए का काम गया था, पहले सफाई का काम गया था। 8-10 साल होते हुए मैं समझ रहा हूं कि मैक्सिमम काम इस समय प्रशासन के द्वारा प्राइवेट ठेकेदारों के हाथों में दे दिया गया। नुकसान किसका है, रोजी रोटी किसके छीनने का काम हो रहा है? मित्रों, आज 280 का स्टाफ यहाँ आ गया है, 20 जेई है, 20 मशीनिस्ट है, 240 टीआरजी टेक्नीशियन के साथी हैं। हम लोग तो ये प्लान कर रहे हैं कि प्रशासन को हम एजेंडा देंगे, एजेंडा के माध्यम से प्रशासन से एनसीआरएस की शाखा ये मांग करेगी कि जो भी आउटसोर्सिंग और प्राइवेट ठेकेदारों के द्वारा काम कराया जा रहा है, हमारे सेट में कर्मचारी फुलफिल हो गए हैं, हम अपने काम को प्राइवेट हाथों में नहीं जाने देंगे, हम अपने काम को स्वयं करने का काम करेंगे। ये मन मित्रों आप लोगों को भी बनाना पड़ेगा। व्यक्तिगत समस्याओं से थोड़ा सा उबरने की जरूरत सबको है, इसलिए कि जो नई जनरेशन आई है जिसका 2-4 साल है उसका समय तो कट जाएगा, लेकिन जिसका 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, मित्रों उसके भविष्य पे खतरा मंडरा रहा है, इस पे विचार करने की जरूरत है। आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार मत करिए, संख्या बल में आप इतने हैं, कोई अधिकारी आएगा ऊपर का, हम लोग एजेंडा के माध्यम से उससे मिलेंगे, बात करेंगे, यहाँ मीटिंग के माध्यम से अपनी बातों को हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे, इंटेलिजेंस के माध्यम से पहुंचाने का काम करेंगे मित्रों, लेकिन आउटसोर्सिंग और निजीकरण पे आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हम सेड में रहेंगे, काम करेंगे, लेकिन प्राइवेट हाथों में काम पे जाने पे विराम लगाने की जरूरत सबको है मित्रों, ये सभी लोगों को सोचने की जरूरत है। आज ठेकेदार आता है, कालर टाइट करके आता है, कायदे से उसके आदमी काम करते हैं, हमारे बीच में उनके आदमी काम छोड़ के जाते हैं तो हमारा रेल का स्टाफ काम उनका पूरा करता है। क्या इंटरेस्ट है रेल के अधिकारियों को? कहीं ना कहीं तो कुछ है इंटरेस्ट मित्रों, ये सब विचारणीय प्रश्न है। अंत में पुनः आप सभी लोगों को हृदय से अभिवादन करते हुए कुछ हमारे जो नव निर्वाचित यहाँ पे पदाधिकारी हैं, 5 मिनट टाइम आओ दीजिए, 2 मिनट और आपने टाइम दीजिए, आप लोगों के सामने उनका एक बार